नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योति रानी जी जुड़ रहे हैं। आज आपको सीधी बात उनसे दिखाते हैं कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह खिलसा के बारे में क्या कहना है। 3 साल से ऊपर हो गए हैं वो, अब समाज में नहीं हैं, इन लोगों के बीच में नहीं हैं, तो इनका आज उनके बारे में क्या मानना है। खासकर हम लेडीज से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, उनके बारे में भी इनका क्या मानना है। नमस्कार ज्योति जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। ज्योति जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने +2 कर रखी है जी। अभी करंटली आप क्या हाउस वाइफ हो? नहीं, मैं पार्लर का बिजनेस करती हूं। डेरा सच्चा सौदा को आप कब से जानते हैं? मेरी मैरिज के बाद 11 साल हो गए। 11 साल। हां जी। कभी आश्रम में गए हो आप? हां जी, जाते हैं। कितनी बार गए हो? बहुत बार गए हैं। कैसा महसूस करते हो वहाँ जाकर? अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील होता है। बीइंग गर्ल सेफ्टी महसूस करते हैं? हाँ जी, हम अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं वहाँ, सब जाते हैं, फैमिली वाले भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, सब जाते हैं। आपको क्या चीज़ वहाँ पर लेके जाते हैं, मतलब क्या चीज़ अच्छी लगती है वहाँ पर? ये होता है थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। कई बार घरों की टेंशन होती है, वहाँ जाके थोड़ा माहौल अच्छा देख के, सत्संग सुन के थोड़ा टेंशन कम हो जाती है, थोड़ा अच्छा महसूस होता है वहाँ जाके। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है? अच्छा है, वो अच्छा ही सिखाते हैं। अभी अपने बच्चों को करो, सेवा करो, किसी का बुरा ना करो, ये चीज़ें सिखाते हैं। उन्होंने दुनिया के लिए क्या काम किए? उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, उनके लिए सफाई अभियान चलाए हैं, खून दान करने के लिए कहते हैं, शरीर दान करते हैं लोग, काफ़ी करते हैं सब कुछ। नशा बंद करवा, नशा भी छुड़वाते हैं, सभी को बोलते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, सिमरन करो, सेवा करो, इन चीज़ों में ध्यान लगाओ। काफ़ी कितने के लोगों का नशा छुड़वाया होगा? काफ़ी, वो तो बार बार यही कहते हैं, जब भी सत्संग होता है बार बार यही कहते हैं कि नशा ना करो, गंद संगत ना लो, अच्छी संगत करो, सेवा सिमरन करो, वो नहीं वो करते। गरीबों के लिए भी कभी सोचा? गरीबों के लिए भी बहुत करते हैं, राशन रूशन बांटते हैं, जिनके पास मकान नहीं होते अपने मकान वगैरह देते हैं, उनकी बेटियों की शादी करवाते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। हाँ जी, काफ़ी करते हैं। हमारे देश में जैसे काफ़ी फौजी भाई हैं, जब देश की तरक्की के लिए गुरुजी का क्या योगदान है? उनको ब्लड वगैरह की ज़रूरत होती है, वहाँ वो पहुँचाते हैं, कोई राशन है तो ये काफ़ी कुछ करते हैं, सेवादार हैं, उनकी ज़रूरत होती है तो वो टीम वहाँ जाती है सेवा के लिए। ग्रीनेस के मेंबर हैं काफ़ी, वो वहाँ जाते हैं सेवा के लिए। अभी 3 साल से ऊपर हो गया, 3.5 साल होने वाले हैं उनको, तो अब क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर जब से वो नहीं है समाज के अंदर? होता ही है, अपने गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु का तो होता ही है कि हमारे साथ होने चाहिए, सत्संग सुने, अच्छा फिर विश्वास है हमें कि होने चाहिए हमारे साथ ही हमारे गुरु। आपको विश्वास है आज गुरु जी के? हाँ जी, हमें विश्वास है। फिर जो उनके ऊपर इतने आरोप लगाएगी उसके बारे में क्या कहोगे? हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, हम काफ़ी बार गए हैं, हमने कुछ नहीं देखा ऐसा भैया, ऐसी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं हमने वैसा कुछ भी नहीं देखा वहाँ जाकर। तो आप क्या कहोगे? हम तो कहेंगे कि ये झूठे हैं या कुछ भी हैं, तो करना चाहिए इनको। फिर इनके ऊपर ही क्यों लगाए गए आरोप, मतलब इन्हीं के ऊपर क्यों? आपको आपको क्या लगता है, आपको अंदर से पर्सनल? हमें तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, बाकी अब क्या पता इनका। हमें तो ऐसा नहीं है कभी, हमें, मेरे को 11 साल हो गया आज जाते हूँ, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या ज़रूरत लगती है आपको समाज के अंदर गुरु जी की? अपने गुरु का तो होता ही है, गुरु तो गुरु है, विश्वास हो जिनको वो तो गुरु का करेंगे, गुरु होने चाहिए हमारे, मन टिका रहता है थोड़ा, ये हो जाता है, विश्वास बना रहता है गुरु जी हो, थोड़ा जाते आते रहते हैं, थोड़ा होता ही है। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो कहेंगे कि उनको जल्दी वापस भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ ज्योति जी जो अपना बिजनेस करते हैं और आज ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का समाज के लिए रोल रहा है और आज भी ये लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो समाज में आएँ और अच्छे कार्य वो और गति से चलाएं। ये है असली सच्चाई जो हम सीधी बातें, सीधी लोगों की जुबानी आपको दिखा रहे हैं। सीधी सूत्र नहीं है ये, जीवित सूत्र आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। आप लोगों की इनके बारे में क्या राय है खुले दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।